शान ही माम जीवने आगच्छ, शान ही माम हृदयम चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मै शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने ही ज्ञापने। मेरा नाम इंद्रजीत साकेत है और मैं रीवा मध्य प्रदेश में स्थित भलुहा ग्राम का निवासी हूँ, और मैं इस समय स्नातक प्रथम वर्ष, प्रथम सत्रार्ध बीत गया और द्वितीय सत्रार्ध प्रारंभ है, शुरू है, और संस्कृत विभाग से हूँ मैं, आनर्स मेरा संस्कृत है। ठीक, संगीत के प्रति जो आपका लगाव है उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये तो हम देखिए, पहले जो भी पहले से हम उतना रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब जो है तुम मतलब जब से हारमोनियम और हारमोनियम हमने सीखा तो हमें आत्मविश्वास हुआ, और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में संगीत जरूरी है, तब से हमने इसको भी हम मतलब वो करने लगे। लेकिन विशेष मैं गा लेता हूँ बस, और अगर कोई संगीत का थियरी पूछे मतलब कि तो वो सब हमको ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान या ऐसे कुछ ज्ञान नहीं है। और देखिए यद्यपि मैं कक्षा 12 तक संगीत पढ़ा, लेकिन हम मतलब उस समय ध्यान हम ना दे पाए। यहाँ पढ़ने में मन लग रहा है? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा आगे विचार है कि मैं अब डिप्लोमा करूँ अगले वर्ष, इस वर्ष तो मैं छूट गया था, अगले वर्ष डिप्लोमा बांसुरी से मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ। जी देखिए, हनीश सिंह की गीत है, और इस गीत को हमने यूट्यूब में भी सुना, अपनी कोई बड़ाई नहीं है इसमें, हमने यूट्यूब में इस गीत को सुना हनी सिंह का। तो इसमें कभी किसी ने हमसे कहा कि भाई देखो हमने तो सुना था, संस्कृत पुराना है, इसमें नया क्या हो सकता है, जब देखो तो कक्षा 6 में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता ये हमने पढ़ा, कक्षा 8 में भी यही पढ़ा, कक्षा 7 में हर साल यही पढ़ने को मिलता है, तो इसमें नया क्या है? तो हमने कहा नया आपको क्या नया इसमें भी कहा, जैसे हिंदी गाने आते हैं हनी सिंह के उस प्रकार से, तो संयोग वशात हमें वो गाना याद था, तो हमने कहा हम सुनाते हैं आपको संस्कृत में क्या हो सकता है नया। तो हमने सुनाया, आप सब लोग सुने होंगे, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, उसी को धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, वह संस्कृत में। प्रतिपालत व संस्मरणम संस्मरणे मात्रम त्वम हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। प्रतिपाल तव संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्यां, गायानि नृत्यानि भ्रामानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्यां, शानहि माम जीवने आगच्छ, शानहि माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मै शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने हि ज्ञापने। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये, निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुप्रिये। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये, निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुहृदे। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्यां, गायानि नृत्यानि भ्रामानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्यां, शानहि माम जीवने आगच्छ, शानहि माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम गते मै शुभ्रे प्रियतामे, शते मेलाने ज्ञाने ही ज्ञापने। ऐसा था। क्या बात है? वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।